हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एज यानी आयु। तो देखिए पहला पार्ट पढ़ते हैं एज का कि यदि चार बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष तथा इन बच्चों और उनके पिता की औसत आयु 20 वर्ष हो तो पिता की आयु कितना है। देखिए यहाँ दिया है चार बच्चों की औसत आयु कितना है 12 वर्ष, बताइए चारों बच्चों की कुल आयु कितना हो जाएगा। चारों बच्चों की कुल आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत में संख्या से गुना यानी 12 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा 48 वर्ष। ये 48 वर्ष क्या आया है, तो चारों बच्चों की कुल आयु, ये क्या निकला, चार बच्चों की कुल आयु। अब कह रहा है उनके पिता की औसत आयु, उनके पिता और कौन, बच्चा, यानी चार बच्चा और उनके पिता की औसत आयु 20 वर्ष हो तो बताइए चार गो बच्चा है और एगो पिता हो गया यानी क्या हो गया पांच गो, तो पांच गो का औसत कितना है 20, तो और योग कितना हो जाएगा यानी पांचों का योग कितना हो जाएगा यानी चार गो पिता यानी चार गो पुत्र और एक पिता की कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा 100 वर्ष। ये क्या निकला है, चार पुत्र प्लस एक फादर यानी एक पिता की आयु कुल आयु, और ये क्या निकला था, चार पुत्र की आयु निकला था। देखिए चार पुत्र और पिता की आयु में से चार पुत्र की आयु घटा लेंगे तो क्या निकलेगा, फादर की आयु यानी पिता की आयु निकल जाएगा यानी 100 माइनस 48 कर लेंगे यानी कितना हो जाएगा, यहां से 2 और 9 में से 4 गया 5 यानी 52 वर्ष, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। यानी क्या करना है, औसत में संख्या से गुना तो कुल आयु, तो चार बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष तो चार बच्चों की कुल आयु कितना, तो 12 गुने 4 कितना 48। अब उसमें एक पिता आ जाता है तो चार बच्चा और एक पिता यानी पांच गो, तो पांच गो का औसत है 20 तो योग कितना, तो 20 गुने 5 100, तो अगर पांचों का योग में से चार का योग घटा लेंगे तो बचेगा एक का योग, एक कौन बचेगा, फादर बचेगा, 100 में 48 जाएगा तो कितना 52, ऑप्शन जाएगा ए नंबर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा है राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात चरण पद 5 है। कौन कौन है, राम और मोहन, कितना का रेशियो है, चरण पद 5 का रेशियो है। फिर दिया है राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात पाचन पद 6, राम और अनिल, अनिल का, राम और अनिल का रेशियो कितना है, पाचन पद 6। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है, देखिए ये 69 वर्ष किसका है, तो उनकी, उनकी मतलब कौन, राम मोहन और अनिल यानी तीनों को मिलाकर कितना 69 वर्ष। देखिए ये रेशियो दिया है राम और मोहन का तो कुछ नहीं यहाँ पर लिखा, इसका मतलब ये सब वर्तमान का है, राम और मोहन की वर्तमान का रेशियो चरण पद 5 में और राम और अनिल का यहाँ पर वर्तमान में कितना रेशियो, पाचन पद 6। तो यहां से रेशियो निकाल लीजिए राम मोहन और अनिल का रेशियो कितना, तो बताए थे रेशियो निकालने के लिए किसका किसका निकालना है, राम मोहन अनिल का। देखिए दोनों में कॉमन कौन है, ठीक है, तो कॉमन है आर आर यानी राम राम, तो राम का अनुपात समान कीजिए, तो राम का अनुपात समान करने के लिए इसमें क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 25 को 20 और ये 25 25, और इसमें कितना से गुना करना होगा, 4 से, तो हो जाएगा 25 को 20, 4 6 24 यानी राम का 20 मोहन का 25 और अनिल का कितना 24। अब देखिए तीनों के वर्तमान का रेशियो 20 25 24 का, तो तीनों का कुल मिलाकर योग कितना हो जाएगा, तो जोड़ना है सबको, तो 5 4 9 और 2 2 4 2 6 यानी अनुपात में तीनों का योग 69 लेकिन वर्ष में कितना तीनों का योग 69 वर्ष। तो यहां से काटिएगा तो कह सकते हैं अनुपात 1 बराबर कितना है, कट जाएगा तो अनुपात 1 बराबर 1 वर्ष। अब किसका निकालना है, तो राम की उम्र, तो बताइए राम का उम्र कितना है वर्तमान में, तो रेशियो है अनुपात 20, तो अनुपात 20 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1 वर्ष, तो अनुपात 20 बराबर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष निकल गया। अगर इसी तरह पूछता मोहन का वर्तमान में कितना, अनुपात 1 बराबर 1 वर्ष, तो 25 बराबर कितना 25, और अनिल का कितना हो जाएगा 24, लेकिन राम का पूछा है तो राम का कितना हो गया 20 वर्ष, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी नंबर। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, दो भाइयों की आयु का योग 36 वर्ष है। देखिए दो भाई है उसका योग दिया 36 वर्ष, तो यहां पर कुछ नहीं लिखा है वर्तमान में है कि 4 साल बाद का है पहले का है, कुछ नहीं, इसका मतलब है दोनों भाई की
आयु का योग कब का है, वर्तमान का है। कुछ नहीं बोलेगा तो इसको मानिएगा वर्तमान का, यानी दोनों भाई की वर्तमान आयु का योग कितना है 36 वर्ष। अब बोला है 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, यानी दो को जो भाई था, दो को भाई उसका रेशियो कितना हो जाएगा 5:6 का, कब 4 वर्ष बाद। यहां लिख लेते हैं 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद 5:6 का रेशियो है। तो बताइए रेशियो तुलना कीजिए तो दोनों को मिलाकर 4 साल बाद कितना हो जाएगा यहां से, तो 6:5:11 अनुपात में कितना 11। तो लगाइए अनुपात में 11 है दोनों का कुल योग कब का, 4 वर्ष बाद का। तो लगाइए यहां से कि दोनों के वर्तमान में 36 वर्ष है तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 4 साल पहला व्यक्ति के लिए भी जुटेगा और 4 साल दूसरा के लिए भी, यानी 4 और 4 कितना 8 साल जोड़ लेंगे, यानी 36+8 कितना हो जाएगा 44 साल, यानी 44 वर्ष कब का हो जाएगा, तो दोनों भाई के 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद की आयु दोनों को मिलाकर कितना 44 वर्ष, अनुपात में कितना 11, अनुपात 11 बराबर कर सकते हैं 44 वर्ष, अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। निकाल सकते हैं अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 को 20 वर्ष, आई कितना हो जाएगा 6 को 24 वर्ष, यानी पहला भाई जो है वो 20 वर्ष है कब 4 साल बाद का, और दूसरा भाई जो है वो 24 वर्ष का होगा कब 4 साल बाद में। तो कह रहा है बड़े भाई की आयु कितनी वर्ष है, यानी कब का पूछ रहा है वर्तमान में पूछ रहा है, तो बड़ा कौन है इसमें 24, तो बड़ा भाई का वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो बताइए 4 साल बाद है 24 साल का, यानी वर्तमान में कितना हो जाएगा, यानी आज से 4 साल बाद होगा 24 साल का, तो आज कितना साल का है, तो 4 साल घटा लेंगे तो 24 में से 4 जाएगा कितना 20 साल, यानी 20 वर्ष है बड़ा भाई, बड़ा भाई। और छोटा भाई को पूछेगा छोटा भाई कितना हो जाएगा, छोटा भाई का उम्र, तो छोटा भाई है 20 साल का, यानी कब का 20 साल है, तो 4 वर्ष बाद का। तो बताइए 4 साल बाद 20 साल का होगा तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 4 साल घटाइएगा ना, यानी पीछे जाना है तो 20 में से 4 जाएगा कितना 16 वर्ष का। यानी छोटा भाई जो है, पहला भाई जो है वर्तमान में वो 16 साल का है, बड़ा भाई जो है वर्तमान में वो 20 साल का है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन जाएगा यहाँ पर बड़ा भाई के लिए, सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। देखिए पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी कब का, 5 साल पहले का, तो बताइए वर्तमान में कितना हो जाएगा औसत, तो पी प्लस क्यू का मान निकालिए। देखिए तो 5 साल अगर इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20, लेकिन कह सकते हैं कि पी और क्यू की औसत आयु 20 हो गया कब का, तो ये वर्तमान का आ गया, तो वर्तमान में हो गया 20, तो योग कितना हो जाएगा, तो बताए थे औसत में संख्या से गुना, तो 20 गुना 2 यानी कितना 40 साल, यानी 40 वर्ष हो गया, यानी पी और क्यू की वर्तमान में कितना हो गया 40 वर्ष, ये क्या आया वर्तमान में आया है। फिर बोला अब पी क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष है, अब जो है यानी कब का वर्तमान का, तो पी क्यू और आर तीन वो है, तो औसत है 20, तो योग कितना हो जाएगा, तो 20 गुना कई संख्या है 3 गो है, तो 3 से गुना, तो 20 60 वर्ष। ये कब का निकला वर्तमान का, यानी वर्तमान वर्तमान आ गया है। तो कह रहा आर की आयु कितनी है कब 10 वर्ष बाद, तो निकाले पहले आर का वर्तमान में कितना, आर का वर्तमान में बोले तीनों को मिलाकर 60 साल है वर्तमान में, और पी और क्यू का दोनों को मिलाकर 40 वर्ष वर्तमान में, तो दोनों का अंतर कर लीजिए, तो 60 में से 40 जाएगा कितना 20, यानी 20 वर्ष हो जाएगा किसका आर का, तो 20 साल हो गया आर का वर्तमान में, कब निकला है वर्तमान में। तो पूछ रहा है कि बताइए 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 10 साल बाद यानी आज वर्तमान में है 20 वर्ष, तो 10 साल बाद कितना, 10 साल जोड़ लीजिए, तो 20+10 यानी कितना हो जाएगा 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष का हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर है कि ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। तो देखिए ए और बी का आयु का रेशियो दिया 4:3, तो ये कब का दिया होगा, कुछ नहीं है तो वर्तमान में मानेंगे, ये कब का हो जाएगा वर्तमान में, यानी यहां से बोला है ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो कितना 4:3। अब बोला है 6 वर्ष पश्चात ए 26 वर्ष का हो जाएगा, बताइए 6 साल बाद यानी वर्तमान से 6 साल बाद ए 26 वर्ष का होगा,
तो बताइए ए वर्तमान में कितना साल का होगा, वर्तमान में कितना साल का निकाल सकते हैं, बताइए ए 6 साल बाद 26 साल का होगा, तो आज कितना साल का होगा, 26 - 6 यानी कितना 20 वर्ष का है, यानी आज जो है वर्तमान में ए कितना साल का है 20 वर्ष का, बताइए ए वर्तमान में अनुपात में कितना है, तो 4, तुलना कीजिए अनुपात 4 = 20 वर्ष, तो अनुपात 1 = कितना हो जाएगा 5 वर्ष, तो पूछा है बी की वर्तमान आयु कितना है, तो बी के वर्तमान आयु कितना, तो अनुपात 3, तो 5 * 3 = 15 वर्ष, यानी बी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 15 वर्ष, यानी ऑप्शन कौन जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर है पी तथा क्यू के वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है, दिया पी और क्यू कब का है वर्तमान का, तो वर्तमान में पी और क्यू का रेशियो कितना है 7:9 का है। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 5:7 था, कब 10 वर्ष पहले यानी वर्तमान से 10 साल पहले कितना था 5:7 का रेशियो था, तो कह रहा है क्यू की वर्तमान आयु कितना है, तो देखिए हम लोग देखेंगे कि पी और क्यू के बारे में, अगर पी वर्तमान में है 7 तो 10 साल पहले कितना था 5, और क्यू वर्तमान में है 9 तो 10 साल पहले कितना था 7, देखिए ये अंतर कीजिए पी का अंतर और क्यू का अंतर, तो अनुपात में कितना का अंतर हो रहा है 2, अनुपात में कितना का अंतर 2, तो कह सकते हैं पी और क्यू में समान अंतर है कितना का अनुपात 2 का, तो यानी वर्तमान और 10 साल पहले वाला में पी का अंतर कितना अनुपात 2 का, क्यू में भी कितना 2 का, तो बताइए यहां वर्ष में कितना था, तो वर्तमान मतलब क्या हो जाएगा 0, वर्तमान मतलब 0 और 10 साल पहले, तो 0 और 10 साल पहले का अंतर कितना है 10 साल का, यानी अनुपात 2 बराबर कर सकते हैं कितना 10 वर्ष, यानी तुलना करेंगे कि वर्तमान में और 10 साल पहले वाला में अनुपात में कितना का अंतर 2 का अंतर, तो वर्ष में कितना का अंतर, तो 10 वर्ष का अंतर, तो अनुपात 2 = 10 वर्ष, तो अनुपात 1 = कितना हो जाएगा तो 5 वर्ष, अनुपात 1 = 5 वर्ष, तो क्यू की वर्तमान आयु कितना, तो बताइए क्यू का वर्तमान में कितना अनुपात 9, क्यू की वर्तमान आयु कितना है अनुपात 9, बताइए 1 = 5 तो 9 = कितना हो जाएगा 9 + 5 = 45 वर्ष का, 45 वर्ष, यानी ऑप्शन कौन जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी। अगर पूछेगा पी का वर्तमान आयु कितना है, तो पी का वर्तमान में कितना है 7, तो अनुपात 1 = 5 तो 7 = कितना 7 + 5 = 35, तो हो जाएगा ये पी 35 वर्ष का और क्यू 45 वर्ष का, तो अनुपात का तुलना करना है वर्ष से, तो अनुपात में अंतर 2 का, तो वर्तमान और 10 साल पहले का अंतर कितना 10 साल का, तो अनुपात 2 = 10, तो अनुपात 1 = 5, इस तरह से कर लेंगे। आइए छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर है कि 6 वर्ष पूर्व पूनम एवं किरण की उम्रों का अनुपात 6:5 था, यानी कौन कौन है, पूनम है और किरण है, पूनम और किरण ये दोनों का रेशियो दिया 6:5, लेकिन कब का 6 वर्ष पूर्व का, यानी 6 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या हो जाएगा वर्तमान से पहले, पूर्व मतलब पहले, यानी 6 वर्ष पहले, यानी वर्तमान से 6 वर्ष पहले पूनम और किरण का रेशियो कितना 6:5। अब 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 11:10 होगा, यानी 4 साल बाद, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 11:10 का हो जाएगा। देखिए पूनम का पहले में देखिए कि 6 वर्ष पूर्व पूनम का 6, तो 4 वर्ष बाद कितना 11, तो दोनों का अंतर कितना यहां से, तो यहां से अंतर देखिए 6:5 = 11:5 का अंतर, और किरण का भी देखिए 6 वर्ष पूर्व 5 और किरण का 4 वर्ष बाद कितना 10, ये अंतर कितना का अनुपात 5 का, यानी दोनों में अंतर समान है, लगाइए अनुपात 5 का अंतर, तो वर्ष में कितना अंतर, तो यहां से देखिए 6 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद का अंतर कितना निकलेगा, तो याद रखिएगा चीज कि अगर पहले और बाद रहे, बाद मतलब बाद पहचान, पहले और बाद तो क्या करना है जोड़ना है, उसी तरह बाद और पहले रहेगा तब तभी क्या होगा जुटेगा, लेकिन बाद और बाद रहे तो क्या होगा अंतर निकालने के लिए वर्ष में घटेगा, और पहले पहले भी रहे तो क्या होगा घटेगा, तो यहां देखिए 6 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद,
तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो जोड़कर 6 और 4 10 साल का, यानी अनुपात में कितना का 10 वर्ष का, अनुपात में 5 लेकिन वर्ष में कितना का 10 का, तो अनुपात 5 बराबर 10 वर्ष, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष। तो पूछ रहा है किरण की वर्तमान आयु कितना है, तो किरण का कहीं से पहले उम्र निकाल लीजिए, तो यहां से निकाल लेते हैं किरण, तो ये 6 वर्ष पूर्व का निकालिए, यहां से अनुपात 5, 6 वर्ष पूर्व, ये 6 वर्ष पूर्व का अनुपात 5, बताइए 1 बराबर 2 तो अनुपात 2 बराबर कितना, 5 बराबर कितना, तो 5 गुना का 10 वर्ष, यानी किरण का 6 वर्ष पूर्व कितना निकला 10 साल, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा किरण, तो बताइए आज से 6 वर्ष पहले किरण कितना था 10 साल का, तो आज कितना साल का हो जाएगी, तो 10 प्लस 6 यानी कितना साल 16 साल का, 16 वर्ष, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा बी नंबर डी, ऑप्शन डी कौन सा जा रहा है डी। फिर समझ ले एक बार क्वेश्चन कि पूर्व यानी पहले और बाद, तो पहले और बाद अगर पहले और बाद रहेगा तो दोनों के बीच का अंतर निकालने के लिए जोड़ दीजिएगा, तो 6 और 4 10 यानी वर्ष में अंतर कितना का 10 साल का, तो अनुपात में कितना का, तो अनुपात में 5 का, तो अनुपात 5 बराबर 10 तो अनुपात 1 बराबर कितना 2 वर्ष। तो किरण का वर्तमान आयु निकालना है, तो किरण का चाहे पहले यहां से निकालिए या यहां से निकालिए, तो यहां से निकालिएगा तो कब का निकलेगा 6 वर्ष पूर्व का निकलेगा, तो 6 वर्ष पूर्व किरण कितना हो गया 10 साल का, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 6 साल पहले है 10 साल, तो आज कितना हो जाएगा, तो 6 साल जोड़ लेंगे, अगर यहां से निकालते ठीक है 10 से, तो अनुपात 1 बराबर 2 तो 10 बराबर कितना 20, यानी किरण का उम्र हो जाएगा कितना 20, कब 4 साल बाद, बताइए वर्तमान से 4 साल बाद हो जाएगा 20, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा घटेगा, 20 में से 4 जाएगा कितना 16 वर्ष, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो 6 वर्ष पूर्व वाला से भी या तो 4 वर्ष बाद वाला से भी, कहीं से भी निकाल सकते हैं। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन करा है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात चरणपत 1 है, यानी पिता और पुत्र यानी फादर और पुत्र है ठीक है, एफ से फादर और पी से पुत्र, कितना का रेशियो है चरणपत 1 का, चरणपत 1 का, यहां कुछ नहीं बोला इसका मतलब क्या हो जाएगा वर्तमान में, ये हो गया वर्तमान में, उनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है, देखिए इन दोनों को गुना करने पर कितना उम्र में हो जाएगा 196 वर्ष का हो जाएगा, देखिए तुलना कीजिए कि 196 वर्ष है गुणनफल, तो यहां से गुणनफल करेंगे, तो बताए थे कि अनुपात को गुना नहीं किया जाता है, तो क्या करना होगा संख्यात्मक मान में लाएंगे, गुना कीजिएगा ना x से, तो ये हो जाएगा 4x, और इसमें भी x से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा x, अब गुना कीजिए तो 4x गुना x, यानी दोनों का उम्र का गुणनफल 4x गुना x, लेकिन वर्ष में कितना 196 वर्ष का, 196 वर्ष, तो ये काट लीजिए 4 से यहां से, तो ये हो जाएगा कितना, तो 4 चौके 16 और 3 9, यानी x² = 49 वर्ष, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, एक्स का मान कहां गया 7 वर्ष, तो कर रहा है अब बताइए फादर का वर्तमान में 4x है और एक्स का मान 7 है, तो यहाँ एक्स का मान 7 रखा था 7 चौके 28, यानी फादर का उम्र हो गया कितना 28 साल का, और पुत्र का वर्तमान में कितना हो जाएगा 7 वर्ष का, यानी पुत्र का वर्तमान 7 तो फादर का उम्र कितना 28, देखिये 4 गुना है फादर पुत्र से, कर रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, यानी फादर और पुत्र का 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा रेशियो, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो बताइए वर्तमान में है 28, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 28 और 5 33, और पुत्र वर्तमान में है 7, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 7 और 5 12, 33 अनुपात 12, दोनों में कॉमन कौन हो जाएगा 3, 11 तिया 33 और 4 तिया 12, यानी 11:4 का रेशियो, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सी। आइए 9वां नंबर क्वेश्चन का, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, यानी माता की आयु था उसकी आयु से चौगुनी, यानी किसकी आयु से, तो महेश की आयु से, यानी माता और महेश है, महेश का 10 वर्ष पूर्व, तो यहां लगाइए 10 वर्ष पूर्व रेशियो में लाइए, तो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व माता की आयु महेश की आयु की चौगुनी थी, तो बताइए महेश की आयु अगर 1 तो माता की आयु कितना हो जाएगा 4 गुना यानी 4, यानी कितना का रेशियो जाएगा 4:1 का रेशियो जाएगा,
लेकिन फिर बोला है 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी, यानी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी। तो ये महेश का एक, तो माता का आयु कितना होगा, दुगना दो। देखिए दोनों में माता में चार और दो अंतर निकालिएगा तो कितना कर रेशियो का अंतर निकलेगा, तो चार में दो जाएगा दो का अंतर, और ये करना का एक में से जाएगा जीरो का अंतर। तो यहाँ दो का अंतर और यहाँ जीरो का अंतर, तो अंतर समान नहीं है दोनों में, तो अंतर समान कीजिए। तो अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर वाला का अंतर नीचे में गुना और नीचे वाला का अंतर ऊपर में गुना, तो चार और एक कितना का अंतर तीन, तो इसमें तीन से गुना कीजिए। और दो और एक का अंतर कितना एक, तो इसमें एक से गुना करना है, तो एक से गुना कीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये जगह तीन गुना छह और ये तीन, यानी यह रेशियो कट कर कितना हो गया, छ और तीन का रेशियो हो गया। यानी माता का 10 वर्ष बाद छ, तो महेश का 10 वर्ष बाद कितना तीन। अब देखिए माता और महेश में, माता और महेश में, तो माता में देखिए 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद का रेशियो का अंतर कितना, तो चार और छ कितना का अंतर दो का। और महेश का देखिए 10 वर्ष पूर्व और 10 साल बाद का, तो एक और तीन कितना का अंतर, अनुपात दो का अंतर। तो कह सकते हैं अनुपात में दो का अंतर, लेकिन वर्ष में कितना, तो बताइए 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद का अंतर कितना, तो पूर्व और बाद अलग अलग है, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 10 10 20, अनुपात दो बराबर कितना 20 वर्ष, अनुपात दो बराबर 20 वर्ष, तो अनुपात एक बराबर कितना जाएगा 10 वर्ष। तो कह रहा है महेश की वर्तमान आयु निकालिए, तो देखिए महेश की वर्तमान आयु चाहे तो यहां से निकलेगा या तो यहां से निकलेगा, तो महेश की आयु यहां से निकालिए, तो महेश तो कहां से निकाल लेते हैं 10 वर्ष पूर्व से निकाल लेते हैं, यानी 10 वर्ष पूर्व से, 10 वर्ष पूर्व अनुपात एक, तो बताइए एक बराबर कितना 10 वर्ष, तो महेश वर्तमान में कितना हो जाएगा, बताइए वर्तमान में कितना हो जाएगा, था काय की वर्तमान पूछा है, बताइए महेश 10 वर्ष पूर्व यानी 10 साल पहले कितना साल का था 10 साल का, तो आज कितना साल का हो जाएगा, तो 10 साल जुटेगा ना, 10 प्लस 10 यानी कितना साल हो गया 20 वर्ष, यानी महेश वर्तमान में कितना हो जाएगा 20 वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए। या तो यहां से भी निकाल सकते थे महेश का, कि महेश का अनुपात में तीन कब का 10 वर्ष बाद का, तो बताइए अनुपात एक बराबर 10 वर्ष, तो अनुपात तीन बराबर कितना हो जाएगा 10 या 30 वर्ष, तो 30 वर्ष महेश होगा कब का, तो 10 साल बाद का, यानी आज से 10 साल बाद 30 वर्ष का, तो आज कितना साल का, तो 10 साल घटा लेते हैं यहां पर, ठीक है, तो 30 में से 10 ज्यादा तो कितना 20 साल, तो यहां से भी आ जाएगा और यहां से भी आ जाएगा। आइए दसवां नंबर क्वेश्चन, दसवां नंबर क्वेश्चन है 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 थी, ठीक है, देखिए 1/3 थी, तो 1/3 के बारे में पकड़िए, यानी 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3, यानी अपने आयु का तुलना किया है, अपने आयु कब के, तो एक 20 वर्ष पहले वाला एक वर्तमान वाला से, ठीक है। तो देखिए हम बताए थे कि जिसके बारे में बोलेगा वो भिन्न का ऊपर वाला और जिससे तुलना करेगा वो भिन्न का नीचे वाला, है ना, तो करा 20 वर्ष पहले यानी कब 20 वर्ष पहले किससे तुलना किया है वर्तमान से, वर्तमान आयु कितना है, तो 1/3 थी, यानी 20 वर्ष पहले मेरी आयु जो था वो वर्तमान आयु का 1/3 था, तो करा मेरी वर्तमान आयु कितना, तो निकालिए यहां से कि 20 साल पहले के बारे में बता रहा है, तुलना किससे किया वर्तमान से, तुलना किया वर्तमान से, तो नीचे वाला हो जाएगा वर्तमान और ऊपर वाला जिसके बारे में बोलेगा, तो किसके बारे में बोला है 20 वर्ष पहले के बारे में, तो हो जाएगा ऊपर वाला 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले लगाइए यहां से रेशियो में कितना हो जाएगा, तो 20 वर्ष पहले और वर्तमान का रेशियो कितना हो जाएगा 1:3 का, यानी 20 वर्ष पहले एक तो वर्तमान में कितना तीन, तो देखिए 20 वर्ष पहले और वर्तमान में अनुपात का अंतर कितना कहा जाएगा, एक, यानी 20 वर्ष पहले अगर एक तो वर्तमान में कितना तीन, तो कितना का अंतर, अनुपात दो का अंतर, तो बताइए वर्ष में कितना का अंतर, तो आज से 20 साल पहले जाइएगा तो उम्र में कितना का अंतर हो जाएगा, तो 20 साल का हो जाएगा 20 वर्ष का, तो कह सकते हैं अनुपात दो बराबर 20 वर्ष, अनुपात एक बराबर कितना 10 वर्ष, तो हो जाएगा 1 × 10 तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष और 3 × 10 कितना जाएगा 30 वर्ष। देखिए यानी 20 साल पहले मैं था 10 वर्ष का,
तो वर्तमान में कितना साल का हो गया है, 30 साल का। तो कितना का अंतर निकला, 20 साल का। तो 20 साल का अंतर है ना, वर्तमान और 20 साल पहले का कितना का अंतर, 20 साल का अंतर। देखिए आ गया, तो पूछ रहा है मेरी वर्तमान आयु कितना है, तो बताइए वर्तमान आयु कितना निकला है, 30 वर्ष। यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये रेशियो बताए थे कि जिसके बारे में बोलेगा वो भिन्न का ऊपर वाला, जिससे तुलना करेगा भिन्न का नीचे वाला। तो 20 साल पहले के बारे में बोल रहा है, तुलना कब किया है, तो वर्तमान से। ठीक है, यानी एक ही आदमी है, वो कौन है, मेरी। मेरी मतलब अपने, मान लीजिए खुद का, तो खुद का आयु के बारे में बता रहा है कि जो 20 साल पहले थे वो कितना थे वर्तमान से, तो 1/3। यानी 20 साल पहले होंगे 1, तो वर्तमान में कितना होंगे, 3। तो 20 साल पहले और वर्तमान का रेशियो 1:3 का रेशियो। ठीक है, अब देखिएगा वर्तमान से 20 साल पहले जाएंगे तो वर्ष में कितना का अंतर, 20 साल का, अनुपात में कितना का, 2 का। अनुपात 2:20, अनुपात 1:10। तो कह सकते हैं अनुपात 1:10 यानी 10 साल, अनुपात 3:30 यानी 30 साल। तो वर्तमान में कितना, 30 साल। आंसर हो जाएगा डी नंबर। थैंक यू, धन्यवाद।